हेलो दोस्तों, अगर आप बेटनोवेट सी क्रीम के यूजेस, उसके साइड इफेक्ट्स और मींस उसको कब और किस स्टेट में यूज करना चाहिए ये सब जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये क्रीम वैसे तो बहुत अच्छी है लेकिन इसको सही तरह से यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपको बहुत साइड इफेक्ट्स दे सकती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, बेटामेथासोन एंड क्लियोक्विनोल। तो मैं आपको ये दोनों चीजें एक बार इंटरनेट पे दिखाता हूं कि ये क्या चीजें हैं और किन कारणों से इन दोनों चीजों को मिलाकर ये बेटनोवेट सी क्रीम को बनाया गया है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, बेटामेथासोन, ये इंटरनेट पर लिखा है कि देखिए ये एक स्टीरॉयड मेडिकेशन है। इसको हम एक्जिमा की प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, मीन्स की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बेटामेथासोन को यूज किया जाता है। तो एक्जिमा पहले देख लीजिए क्या होता है। इमेजेस थोड़ी आपको देखने में अजीब लगेंगी। देखिए एक्जिमा प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब आपके ऐसे फेस पर रेडनेस, कुछ इचिंग हो, देखिए ये किस तरह की एक्जिमा प्रॉब्लम्स हैं। तो इन कंडीशंस में बेटामेथासोन को क्रीम में डाला जाता है। ये देखिए एक स्किन क्रीम है, तो ये स्किन पर अगर आपके एक्जिमा प्रॉब्लम्स है। अब सेकेंड चीज देख लीजिए, क्लियोक्विनोल, इट इज एन एंटी फंगल ड्रग। देखिए ये एक एंटी फंगल ड्रग है। अब फंगस क्या होती है, ये एंटी फंगल है तो एक फंगस मैं दिखाता हूं स्किन के ऊपर, फंगस क्या होती है। देखिए आपकी स्किन के अंदर कुछ ऐसे, अगर स्किन थोड़ी गल जाती है किसी तरह से, जैसे पिंपल्स के अंदर से पानी निकलता है फिंसी टाइप का इस तरह से, या जलने के कारण हमारी स्किन देखिए कुछ इस तरह से हो जाती है। देखने में बड़ी अजीब चीजें हैं लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो क्लियोक्विनोल और बेटामेथासोन है, तो इससे जो बेटनोवेट सी क्रीम बनी है तो वो आपके किन कारणों के यूज होगी। एक तो एक्जिमा प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे ये रेडनेस होती है, दाग धब्बे पड़ जाएं, स्किन जल जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या आपको फंगल प्रॉब्लम हो, कुछ इस तरह से आपके फिंसी फोड़े एटसेट्रा और स्किन थोड़ी सी दाग धब्बे, दिखाता हूँ दाग धब्बे भी, अगर इस तरह के दाग धब्बे पड़ते हैं तो भी हम इस क्रीम को यूज करते हैं। तो ये जो क्रीम है, ये जो आपके दाग धब्बे पड़े हैं, बेटामेथासोन इसको थोड़ा वाइट में करने की, इनको स्किन की कंडीशंस को सही करने में हेल्प करता है। तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम, ये देखिए ये ऐसी रेडनेस अगर होती है, ये प्रॉब्लम्स के लिए हम इस बेटनोवेट सी क्रीम को यूज करते हैं। तो आपको अगर ये क्रीम यूज करनी है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्जिमा प्रॉब्लम है अगर आपको, एक्जिमा और फंगस है आपकी स्किन के ऊपर, तो उस केस में आपके बेटनोवेट सी क्रीम आपकी हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कि ये क्रीम यूज कब करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, और अगर ज्यादा करेंगे तो आपको क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस क्रीम को खोलकर दिखा देता हूं। क्रीम सस्ती है तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है यार ये फेयरनेस क्रीम है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है कि ये एक स्किन क्रीम है तो रंग को भी गोरा करती है, क्योंकि ये आपके दाग धब्बों को मिटाती है, तो शायद ये सस्ती भी है, तो चलो इसको फेस के लिए यूज कर लेते हैं या इसको रंग गोरा करने के लिए यूज कर लेते हैं। पर दोस्तों प्लीज ध्यान रखिए कि ये एक मेडिकेशन के लिए क्रीम है, ना कि ये आपके फेयरनेस के लिए क्रीम है। इस क्रीम को डॉक्टर की सलाह से यूज किया जाता है, और एक्जिमा और फंगस स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम इस क्रीम को यूज करते हैं, ना कि इसको हम कोई भी ऐसे, अगर कभी क्या होता है कि हमें कोई रिलेटिव कह दे कि यार ये क्रीम बड़ी अच्छी है, इसको रंग गोरा करने के लिए है, तुम भी थोड़ा लगाओ। बट अगर दोस्तों, अगर आपको इस क्रीम को लगाना है तो ये मैक्सिमम आपको 2 हफ्ते के लिए क्रीम लगानी है, डिपेंड अपॉन कि आपकी कंडीशन क्या है स्किन की। वैसे तो इसको 5 दिन या 10 दिन मैक्सिमम यूज करना होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा है स्किन के ऊपर तो हम इस क्रीम को 2 हफ्ते के लिए भी यूज कर लेते हैं, और वो भी एक्जिमा और फंगस के केस में, क्योंकि बेटामेथासोन और क्लियोक्विनोल आपकी इन दोनों कंडीशंस में आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज अगर आपको इस क्रीम को यूज करना है, बेटनोवेट सी क्रीम को, तो इस क्रीम को प्लीज रंग गोरा करने के लिए यूज मत कीजिएगा, और ऐसे ही पिंपल्स, अगर छोटे मोटे पिंपल्स होते हैं और वो लगातार होते ही रहेंगे, इससे क्या होगा कि आपका एक जो पिंपल है, हाँ अगर आपका अपने पिंपल है वो आपने कभी ऊपर से उसका जो व्हाइट कलर का होता है उसको अगर आप
तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, तो उसकी जो अंदर से व्हाइट कलर निकलता, व्हाइट निकलता है उस, वो आपकी स्किन के ऊपर लग जाए तो और पिंपल्स हो सकते हैं। तो उन कंडीशंस में आप बेटोमेट सी क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पिंपल्स जनरली हो रहे हैं तो उसके ऊपर ये क्रीम कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगी। हाँ, अगर आपके लगाने के बाद अगर पिंपल्स आने के बाद थोड़े आपके दाग धब्बे पड़ते हैं तो उनके लिए ये क्रीम आपकी हेल्प कर सकती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्रीम किन कंडीशंस में यूज़ करनी है और कितने टाइम के लिए यूज़ करनी है। अब मैं बात करता हूँ इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स की। वैसे अगर आप इंटरनेट पे भी पढ़ेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। बेटामेथासोन दोस्तों एक स्टीरॉयड होता है जो आपके स्किन के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको चेंज करता है। अब एक बार अगर आपको बेटामेथासोन अगर आपने अपनी स्किन के ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए लगाना शुरू कर दिया तो एक टाइम आएगा जब आप इस क्रीम को छोड़ नहीं पाएंगे। अगर इस क्रीम को छोड़ेंगे तो आपकी जो स्किन है वो पतली हो गई होगी और उसके ऊपर रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो जाएगी और आपके जो बाल होते हैं स्किन के छोटे छोटे जो कम ही दिखते हैं ब्राउन कलर के, वो उनकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में आप इस क्रीम को छोड़ नहीं पाएंगे, तो इसको आपको लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं करना। और सेम चीज़ क्लियोकेनल के केस में है, ये फंगस के लिए यूज़ होता है, तो आप इसको भी केमिकल को ऐसे जनरली सिंपली यूज़ किया कभी मत कीजिए। और वैसे भी अगर आपको कोई भी क्रीम यूज़ करनी है, चाहे आपको कोई भी सजेशन दे, तो प्लीज़ आप डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जो बेटनोवेट के जितने भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, GSK के बेटनोवेट N है, C है, GM है, ये सभी एक डॉक्टर की सलाह से यूज़ करने वाली क्रीम है और ये इन्फेक्शन के लिए क्रीम है, चाहे फंगस हो, चाहे सिंपल एक्जिमा प्रॉब्लम्स हो, तो उन सब के लिए है। तो हमें इसको एज अ सिंपली अगर कहें कि स्किन क्रीम के लिए यूज़ कर सन क्रीम के रूप में यूज़ करें, मॉइस्चरिंग क्रीम के रूप में, या इसको रंग गोरा करने के लिए, तो इसको प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी क्रीम अपने फेस पर बिना सोचे समझे लगानी चाहिए। इवन कि अगर हम फेयर एंड लवली या ऐसी क्रीम्स भी लगाते हैं तो एक बार हमें अपने हाथ पर या हमें कहीं भी अपने शरीर के एक पार्ट पर उसको लगा के चेक करना चाहिए कि क्या ये क्रीम हमें प्रॉब्लम तो नहीं देगी या हमारी स्किन के लिए सूट बैठेगी भी या नहीं, उसके बाद आप कोई भी क्रीम यूज़ कीजिए। और अगर बेटनोवेट सी के बारे में अगर आपको ये हमारा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है और आपसे मिस ना हो जाएं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर नई वीडियो आएगी तो आपको एकदम से पता चल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ जरूर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।